नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचते रहे। मोदी सरकार ने लॉन्च की बांस की बोतल। 2 अक्टूबर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसीलिए सरकार एक नया विकल्प लेकर के आई है। इस विकल्प के तौर पर एमएसएमई मंत्रालय के अधीन कार्यरत खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बांस की बोतल का निर्माण किया है जो प्लास्टिक बोतल की जगह इस्तेमाल होगी। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने बांस की बोतल को एक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च कर दिया है। इस बोतल की क्षमता कम से कम 750 ml होगी और इसकी कीमत 300 रुपए से शुरू होगी। यह बोतल पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ टिकाऊ भी होगी। 2 अक्टूबर से खादी स्टोर में इस बोतल की बिक्री भी शुरू हो जाएगी। अयोध्या केस में यदि विश्वास है कि किसी जगह पर दिव्य शक्ति है, इसको न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है। अयोध्या मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 35वें दिन की सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील पराशरन ने भगवान गीता के कुछ श्लोक पढ़ा और एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में माने जाने वाले स्थान पर जोर दिया। पराशरन ने कहा है कि अगर लोगों का विश्वास है कि किसी जगह पर दिव्य शक्ति है तो इसको न्यायिक व्यक्ति माना जा सकता है जिसका दिव्य अभिव्यक्ति से कोई अंतर न हो। पराशरन ने कुंडालोर मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा है कि कुंडालोर मंदिर में भी कोई मूर्ति नहीं है, केवल दिया जलता है, इसकी पूजा की जाती है। राजीव धवल को पराशरन की दलील पर टोकते हुए कहा है कि इससे सभी उदाहरण में मंदिर था, यह एक मंदिर के रूप में बनाया जाता है। पराशरन ने कहा है कि लोगों के विश्वास के साथ पूजा स्थल को मंदिर कहा जा सकता है। मंदिर पूजा स्थल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। राजीव धवल ने कहा है कि सिर्फ यात्रियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर मंदिर था। रामलला विराजमान के वकील के पराशरन ने कहा है कि रामनवमी को भगवान राम का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन यह भगवान राम के जन्म स्थल पर नहीं मनाया जाता। इसीलिए जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर के भगवान राम के जन्म स्थल पर ही रामनवमी को मनाना चाहिए। गौतम गंभीर ने इमरान खान को बताया आतंकियों का रोल मॉडल, कहा खेल जगत इसका बहिष्कार करे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर सीधा निशाना साधते हुए उन्हें आतंकवादियों का रोल मॉडल करार दिया है और खेल जगत से बहिष्कार करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि खिलाड़ियों को रोल मॉडल माना जाता है, उनके अच्छे व्यवहार के लिए, टीम भावना के लिए, उन्हें मजबूत चरित्र के लिए। हाल ही में हमने यूएन में एक पूर्व खिलाड़ी को बोलते हुए देखा, वह आतंकवादियों के रोल मॉडल की तरह बोल रहे थे। समुदाय को इमरान खान का बहिष्कार करना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। अब मोबाइल ऐप के जरिए कर सकेंगे खराब सामानों की शिकायत। खरीदे गए सामानों में गड़बड़ी से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक ऐप तैयार किया है जिस पर कोई भी ग्राहक सामान में गड़बड़ी की शिकायत ऑनलाइन कर सकता है। ऐप का नाम कंज्यूमर ऐप रखा गया है। ऐप उपभोक्ताओं के लिए काफी सुगम बनाया गया है। ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल पर डाउनलोड करने के बाद इस पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना अकाउंट खोलना होगा। अगर किसी दुकान से आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें कोई त्रुटि या गड़बड़ी पाई जाती है तो आप इस पर शिकायत ऐप के जरिए कर सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि जो भी शिकायत की जाएगी वो सीधे उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान के पास पहुंचेगी। बाढ़ के बहाने गिरिराज ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा आपदा नहीं सरकार की कुव्यवस्था का परिणाम है। भारी बारिश के कारण बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों में जल जमाव से हुई बदतर स्थिति को लेकर के केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की कमियों से ही जनता को तकलीफें पहुंची है। यह प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि राज्य सरकार की कुव्यवस्था का परिणाम है। गिरिराज ने आरोप लगाया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने में सरकार विफल रही है। बाढ़ और बारिश की आपदा से जनता परेशान है लेकिन प्रशासन के लिए उत्सव का माहौल बना हुआ है। बाढ़ की आर से लूट खसोटी हो रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही राज्य सरकार को निशाने पर लिया था भारी बारिश के कारण पटना की हालत को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं तो राज्य सरकार से चूक जरूर हुई है। सीएम कुर्सी पर शिवसेना की नजर, संजय राउत बोले चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया लेकिन सीएम दफ्तर पहुंचेंगे आदित्य ठाकरे। शिवसेना ने 60 साल पुराने अपनी परंपरा तोड़ते हुए आदित्य ठाकरे को मुंबई की वर्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। इसी बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि कुछ तकनीकी कारणों से चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं कर सका लेकिन हमें विश्वास है कि सूरज यानी कि आदित्य ठाकरे 21 अक्टूबर को मंत्रालय के 6th फ्लोर यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक जरूर पहुंचेंगे। वर्ली सीट पर शिवसेना जीतती रही है। फिलहाल सुनील शिंदे इस सीट से विधायक रहे हैं। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के एक साल पूरा होने पर कहा यह न्यू इंडिया के क्रांतिकारी कदमों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विज्ञान भवन में आयोग मंथन के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। आयुष्मान भारत योजना के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय आयोग मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने साल एक आयुष्मान अनेक नाम से एक डाक टिकट और प्रधानमंत्री जन आयोग ऐप भी लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत ये पहला साल
संकल्प समर्पण सिखा रहा है। यह भारत की संकल्प शक्ति ही है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम हम भारत में सफलतापूर्वक चला रहे हैं। शारदा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत देते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि राजीव कुमार को सीबीआई के साथ सहयोग करना होगा और जब बुलाया जाएगा तब पेश होना होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सीबीआई को उपस्थिति के 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। आपको बता दें कि शारदा घोटाले की जांच के लिए 2013 में ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल का नेतृत्व करने वाले राजीव कुमार पर इस मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2014 में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों की होगी पहचान। उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी के तर्ज पर काम शुरू हो गया है। राज्य की योगी सरकार ने राज्य में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान की शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को चिट्ठी लिख करके अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों की अभियान चला करके पहचान करने की आदेश दे दिए हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि पुलिस अपने अभियान में रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और रोड किराने की बस्ती पर रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों और अन्य दूसरे नागरिकों की पहचान करेगी। नीति आयोग की स्कूली शिक्षा क्वालिटी रैंकिंग, यूपी का प्रदर्शन सबसे खराब, केरल टॉप पर। नीति आयोग ने साल 2016-17 के स्कूल शिक्षा क्वालिटी रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में देश के 20 बड़े राज्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर केरल और आखिरी स्थान पर उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर कर्नाटक का नाम शामिल है। बड़े राज्यों के मामले में इस रिपोर्ट में केरल का स्कोर 76.6% है और उत्तर प्रदेश का स्कोर 36.4% है। इस रिपोर्ट का नाम द सेंसेक्स ऑफ आवर स्कूल एजुकेशन क्वालिटी रखा गया है। इसे नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्व बैंक के संयुक्त रूप से जारी किया है। स्कूल रिपोर्ट जाने वाले बच्चों के सीखने के परिणाम पर आधारित है। इसरो ने विक्रम से संपर्क स्थापित करने की आस नहीं छोड़ी, अब चांद पर दिन निकलने का इंतजार। इसरो ने 3 सप्ताह से अधिक समय पहले चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास के दौरान संपर्क से बाहर हुए चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क कायम करने की कोशिश अभी नहीं छोड़ी है। गत 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कुछ मिनट पहले विक्रम का जर्मनी स्टेशन से संपर्क टूट गया था। इसके बाद ही बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी लैंडर से संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन चंद्रमा पर रात शुरू होने के कारण 10 दिन पहले इस कोशिश को स्थगित कर दिया गया था। के सिवान ने कहा है कि अभी यह संभव नहीं है कि वहां रात हो रही है, शायद इसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। कभी पीएम पद के दावेदार थे शरद पवार, आज अकेले लड़ रहे हैं पार्टी को बचाने की लड़ाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में बीते 3 दशक में बात चाहे राज्य की हो या फिर केंद्र के, शरद पवार महाराष्ट्र का बड़ा सियासी चेहरा रहे हैं। लेकिन 5 साल पहले शरद पवार के हाथ से सत्ता निकलते ही उनके अपने ही साथ छोड़ चुके हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में 78 साल के शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी को बचाने के लिए चुनावी मैदान में है। पार्टी बचाने की लड़ाई में शरद पवार के साथ सिर्फ उनकी बेटी सुप्रिया सुले बची हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और उनके भतीजे अजीत पवार ने भी राजनीति से संन्यास ले लिया है। हर सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी और नागरिकता विधेयक 2019 पर एक प्रकोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार एनआरसी के पहले सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाने वाली है। इस बिल के तहत भारत में जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई शरणार्थी आते हैं उन्हें हमेशा के लिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम एनआरसी लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे, उन्हें चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। एनआरसी पर सरकार की मंशा को साफ करने के साथ साथ अमित शाह ने राज्य में सरकार बनने का भी दावा किया। महाराष्ट्र के नीतीश राणे ने दिया कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा, आज हो सकते हैं बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। राणे ने विधानसभा स्पीकर को विधान भवन में इस्तीफा सौंपा। खबर है कि नारायण राणे समेत नीतीश और नीलेश राणे आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ओवैसी ने कश्मीर पर अमित शाह के बयान की तीखी आलोचना की, कहा आप सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर के संदर्भ में यह कहना है कि पाबंदियां केवल आपके दिमाग में है सही नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी को अपने राज्य जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ी। इसी प्रकार मार्क्सवादी पार्टी के नेता सीताराम येचुरी और अन्य को वहां जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगानी पड़ी, वहां मोबाइल सेवा अभी तक बहाल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि तो अमित शाह
जो भी कुछ कह रहे हैं सच्चाई बयान नहीं कर रहे हैं। शाह ने संसद में यह भी गलत किया कि फारूक अब्दुल्ला स्वतंत्र है, बाद में उन्हें पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया। ओवैसी ने कहा है कि अगर आप सच बोल रहे हैं तो कश्मीर में अघोषित आपातकाल क्यों है, कि वहां सेव बेचने वाला सेव नहीं बेचना चाहता, वहां स्कूल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहे। आज का माइंड किस क्वेश्चन आ चुका है, 2 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्मदिन मनाया जाता है जिसे हम बापू कहते हैं। इसका जल्दी जल्दी सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि देश दुनिया की सारी खबरों से रह सके अपडेट।